स्टॉक पर रिएक्शन भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं है हमारे साथ खुशबोरा भी अब जुड़ गया है खुश गुड आफ्टरनून बाजार थोड़ा नीचे भी आया है इनफैक्ट बैंक, नि, बैंक निफ्टी तो अब लाल निशान में है और निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई है शायद ये ओवर नाइट ना ले जाने का एक रिस्क है और साथ ही एक भी शेयर कर रहे हैं आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर भी कैसे देखते हैं आप इसका चार्ट जी हाँ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स देखिए दिस इज़ एग्जैक्टली इन लाइन जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स ने जो कल बहुत अच्छा रनअप दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी और आज फ्राइडे है दोनों ही पॉइंट्स uh, के हिसाब से ये जो मार्केट्स में हम आज हल्का सा डिप देख रहे हैं फ्रॉम द हाइज इस प्री रैशनल और इसमें कहीं यू uh, नो कोई चिंता का बिल्कुल विषय नहीं है एक पॉइंट और ये है कि सत्रह पे जो कॉल बेस है उसके साथ साथ पुट बेस भी जुड़ गया है तो कहीं ना कहीं राइटर्स इंक्रीज वॉलीटिलिटी और वीकेंड का फायदा उठाना चाहते हैं उसके चलते ये डिप आया है और इसमें यू नो कहीं चिंता या कोई ऐसी टेंशन की बिल्कुल बात नहीं लग रही मार्केट में स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है ओवरऑल सेटअप जो है वो इसका मार्केट्स का अभी भी पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी थर्टी सिक्स इस लेवल पर कॉल राइटिंग भी हुई थी तो उसके चलते हम जरा सा दबाव देख रहे हैं बट नथिंग टू वरी अबाउट नथिंग यू नो टू स्केयर दी इन्वेस्टर्स अवे जो आपने स्टॉक पूछा बच इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेडीली पॉजिटिव है What is good is कि आज की जो इसकी इतनी अच्छी मूव आई है उसके बाद ये अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस जिनके नीचे ट्रेड कर रहा था आज उनके ऊपर खुला भी और कंटिन्यूस ट्रेड भी कर रहा है और साथ ही साथ इसके इंडिकेटर्स जो हैं जो लीड इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं सो so, मैं कहूँगा कि जो यू नो मूव आज आया है ये एक्चुअली एक शुरुआत होगी फॉर यू नो न्यू रैली यू नो टू द स्टॉक इसका जो टू हंड्रेड डी एम है वो तेरह सौ के आसपास प्लेस्ड है सो आई बी वर्प्राइज इफ इन द कमिंग डेज द स्टॉक हिट्स थर्टीन हंड्रेड और जो इस पर स्टॉप लॉस रहेगा वो 1180, 1170 के जो जोन्स हैं जहां पे सपोर्ट है वहां पे लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर की रैली दिखा सकता है अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऐसे में खुश आपकी भी कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स होंगी जी हाँ देखिए ऐसे में दो दो पिक्स हैं मेरे और दोनों के हैं एक है फ्रॉम द केमिकल स्पेस दूसरा है फ्रॉम द इंजीनियरिंग स्पेस स्पेस देखिए आईटी और रियल की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि ये स्पेस अच्छा लग रहा है लेकिन इंजीनियरिंग स्पेस में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो यू नो परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं तो मेरा पहला पिक है दैट इज़ नवीन फ्लोरिन देखिए केमिकल स्टॉक्स में तेजी है बनी हुई है और यू uh, नो you know, ये वेल्थ क्रिएटर रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू यू नो कपल ऑफ यज इनफैक्ट सो यू नो दैट ट्रेंड और दैट ट्रेड यू नो शुड आइडियली कंटिन्यू इन द कमिंग टाइम्स जिस तरीके का आज हम इसमें मूवमेंट देख रहे हैं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लेकिन गिरे हुए मार्केट में भी इस स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं देखी गई थी कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ का एक यू नो साइन है वो नवीन फ्लोरिन रहेगा मेरा फर्स्ट बाय और इसका टारगेट रहेगा फोर्टीन फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड द स्टॉप लॉस ऑन दिस वुड बी थर्टी एट सेवेंटी जो मेरा दूसरा पिक है विच इज़ ए आई ए इंजीनियरिंग इसके ऊपर भी हम पहले ही बात कर चुके हैं आ, कुछ दिनों पहले मैंने यू नो इसका भी सुझाव दिया था और स्टॉक एक्चुअली काफ़ी अच्छा रनअप कर भी रहा है ओवरऑल इंजीनियरिंग स्पेस में जो मूवमेंट आ रही है कहीं ना कहीं इसे उसका भी फायदा मिलेगा बींग वन ऑफ द लीडिंग नेम्स यू नो इन द सेक्टर सो ए आई ए इंजीनियरिंग इज माई सेकेंड पिक फॉर अ टारगेट ऑफ ट्वेंटी वन फिफ्टी और इस पर स्टॉप लॉस रहेगा एटीन सेवेंटी का तो ये खुश की इंजीनियरिंग और साथ ही उन्होंने एक और कॉल दी यहां पर दीपक नाइट्रेट आई थिंक उन्होंने कॉल दी यहाँ पर राइट चलिए ठीक है देख लेते हैं अब और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं इस बीच कोल इंडिया में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग तो है कोल इंडिया लगभग तीन परसेंट आज गिरावट के साथ है जबकि कोल की कमी है पूरे देश में पावर क्राइसिस है और द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ इन इंडिया कोल इंडिया उसमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग कोल और पावर का सब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया अजय जिस तरह से पावर क्राइसिस पूरे डिफरेंट डिफरेंट आप एक एक स्टेट करके देखें तो आप पावर कट्स की भी अब न्यूज क्लियरली आती है और कोल इंडिया पर तो हमेशा से प्रोडक्शन बढ़ाने का एक हमेशा दारोमदार रहता ही है देखिए आपको बता दूंगी कोल इंडिया हाई हिट करके नीचे आया है और यू नो समाइम्स हमने अपनी यूटिलिटी स्टॉक्स का इतना ग्रांटेडली लिया है इनफैक्ट कभी डिस्कस ही नहीं होते थे ये स्टॉक पीएसयू यूटिलिटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली ये देखिए uh, जो टॉप आपको दिख रहा है ये रिसेंट टॉप है इसका इनफैक्ट हम लोग यहाँ बैठे हुए बड़े शहरों में भी कई बार ट्वेंटी फोर सेवन बाई सप्लाई को भी बहुत ग्रांटेडली ले लेते हैं तब मालूम चलता है जब पावर कट्स होते हैं कि ये कितनी यू uh, नो you know, कितनी इम्पॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पीक डिमांड एंड ये जो आपका कोल की सप्लाई की शॉर्टेज चल रही है कई सिटीज़ में पावर कट्स हो रहे हैं और बॉम्बे के भी मुंबई के भी फ्रिंज में आपको कई जगह पर कई घंटों की लाइट जाती हुई नज़र आ रही है लेकिन ऑफकोर्स पी एस यू स्टॉक्स बीच में एन टी पी सी पावरग्रिड और कोल इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए वापस आते हैं मार्केट पे मैं आपको कुछ स्टॉक्स की लिस्ट गिनवाना चाहूँगा ये देखिए हमारा बड़ा इंटरव्यू आने वाला है 20 मिनट में उससे पहले जो फ्रेश 52 टू वी हाई पे हिट किए हैं वैरक इंजीनियरिंग ऑलरेडी डिस्कस किया हमने एम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट दो तीन दिन से जी एच सी एल जी हाँ ये सॉक गुजरात हैवी केमिकल्स फिफ्टी टू वीक हाई शैफलर उसको लेके आइए फिफ्टी टू वीक हाई क्रिसल वहां पे भी एक मैनेजमेंट ने भी सडनली रिजिग्नेशन दिया था फ्रेश फिफ्टी टू वीक हाई एंजिल वन दो हजार रुपये के आसपास आ गया कुछ का टारगेट था दो हजार देखिए आ गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग वरुण बेवरेजेज सन फार्मा रिलायंस कुछ आप 2000 की बात कर रहे थे राइट एंजल वन पे कुछ दिन पहले टारगेट तो आ गया एंजल वन में बड़ी रुचि है लोगों की कहाँ लगता है यहां से जाता हुआ आ, जी हां देखिए हमने इस स्टॉक पे